मेरठ में दिन निकलते ही डबल मर्डर की घटना से हड़कंप मच गया। बंद मकान में नानी और नवासी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हाई प्रोफाइल हत्याकांड की सूचना मिलते ही खुद आईजी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस अब तक हत्या की वजह का पता नहीं लगा पाई है। घटना मेरठ के थाना नोचंदी क्षेत्र के डी ब्लॉक की है, जहां 60 साल की बुजुर्ग महिला अपनी 12 साल की नवासी के साथ घर में रहती थी। इस मासूम बच्ची के माँ बाप मेरठ के ही अन्य किसी थाना क्षेत्र में रहते हैं। माना जा रहा है कि देर रात घर में कोई परिचित दाखिल हुआ, जिसके बाद उसने दोनों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। हत्यारे की एंट्री घर के बैक डोर से हुई थी, क्योंकि फ्रंट डोर पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसमें कोई भी आता जाता नहीं दिखाई दे रहा। हत्याकांड की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हत्याकांड से जुड़े साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर तलब किया गया। डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर पहुंचकर हत्यारों की तलाश में कोशिश की, लेकिन पुलिस को अभी तक ना तो हत्या की वजह का पता चल सका है और ना ही हत्यारों का कोई सुराग मिल सका है। पुलिस के अधिकारियों की माने तो किसी परिचित ने ही हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि बैकडोर एंट्री सहमति से हुई है। फिलहाल दोनों ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रही है, जिसके बाद हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी जांच की जाएगी।